Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. Welcome to Intel City and Verilog HDL tutorial series. इस ट्यूटोरियल में हम एल्गोरिथमिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU को डिजाइन करेंगे Verilog HDL के अंदर और फिर उसका टेस्ट बेंच कोड भी लिखेंगे और फाइनली हम उसको मॉडल सिम में सिमुलेट करेंगे और कुछ इनपुट्स अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट के तौर पे हम उसके जो आउटपुट है उसको एनालाइज करेंगे. तो बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथमिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. ALU जो है वो डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और नॉर्मली टू ऑपरेंड्स यानी कि दो इनपुट्स होती हैं ए और बी या डेटा वन डेटा टू और इन दो इनपुट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ऑपरेशन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है यानी कि ए प्लस माइनस डिवाइड और सब्ट्रैक्ट और उस ऑपरेशन वो जो ऑपरेशन होता है वो ऑप कोड स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेशन इज द आउटपुट ऑफ द ALU और जो भी ऑपरेशन होगा उसका जो रिजल्ट है यानी कि एडिशन है उसका रिजल्ट है फिर सब्ट्रैक्शन है उसका रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एंड और लॉजिक है कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन है उनका भी रिजल्ट है तो वो आउटपुट होगी ALU की और इसके साथ साथ कुछ फ्लैग्स भी जनरेट होंगे यानी कि अगर कैरी फ्लैग आता है या आउटपुट जीरो होती है तो ये यूजर पे डिपेंड करता है आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि अगर आप फ्लैग्स रखना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं. फ्लैग्स जो है वो रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं अगेन वही बात कि रिजल्ट अगर जीरो है तो फ्लैग जनरेट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर कैरी आ रहा है या रिजल्ट इनकरेक्ट आ रहा है तब भी आप फ्लैग्स को जनरेट कर सकते हैं. ALU ऑपरेशन ALU का ये ब्लॉक डायग्राम है. हमारे पास जो है वो एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी और इसके साथ साथ ऑप की भी इनपुट है. ये इनपुट ऑप की इनपुट डिफाइन करेगी कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है. इसके साथ ALU आउट एक आउटपुट है और फ्लैग्स की आउटपुट है. फ्लैग्स की आउटपुट जो है वो ऑप्शनल होगी और हम अपने डिजाइन में फिलहाल डिजाइन को सिंपल रखने के लिए फ्लैग्स को नहीं यूज करेंगे. इसके बाद जो है ये ऑप की इनपुट है और इस पे कुछ आउटपुट्स हैं. ये एक टेबल है. टेबल अगर हमारे पास ऑप को 000 तो आउटपुट हमने जीरो रखी है. ये हमारा अपना डिजाइन एक ALU है. आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप डिजाइनर हैं और आप डिजाइन अपना ALU भी डिजाइन कर सकते हैं. तो 001 पे मैंने आउटपुट रखी हुई है ए प्लस बी. इसी तरह 010 जब ऑप कोड होगा तो मेरा ALU जो है वो ए माइनस बी का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. अगेन ये जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और इसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस जो है हम इनपुट्स पे परफॉर्म करेंगे. तो 001 जब ऑप कोड होगा तो ऑप कोड जो है वो 3-bit का है. इसी तरह से ए और बी भी डिफरेंट साइज के हैं. 011 में ए एंड बी होगा और 100 जब होगा ऑप कोड तो आउटपुट आएगी ए और बी. ठीक है. इसी तरह जब 101 होगा तो आपने जो रिजल्ट हमें चाहिए होगा वो ए इन्वर्टेड यानी कि ए नॉट चाहिए होगा. इसी तरह से 110 के केस में भी बी नॉट चाहिए होगा और 111 यानी 111 आएगा जब तो दिस इज नो ऑपरेशन यानी नॉप की कमांड है. ये नो ऑपरेशन की कमांड भी प्रोसेसर में बहुत ज्यादा यूज होती है. तो ये हमारे पास डिजायर्ड कुछ ऑप कोड्स हैं और ऑप कोड्स की बेस पे जो डिजायर्ड आउटपुट ऑपरेशन चाहिए मुझे ये मैंने यहाँ पे इस टेबल में मैंशन कर दिया. तो अब हम ALU के Verilog कोड की तरफ चलते हैं. Verilog कोड जो ALU का है वो कुछ इस तरह से होगा कि मॉड्यूल ALU ये मॉड्यूल का नेम है ALU और इसपे कुछ इनपुट्स हैं ए बी और ऑप ओपी और ALU out. ये तीन जो है ए बी और ऑप ये इनपुट्स हैं और ALU out मेरी आउटपुट है. यहाँ पे मैं फ्लैग को इग्नोर कर रहा हूँ. इसके बाद इनपुट में ए और बी मैंने मेंशन कर दिया कि 4-bit के सिग्नल है तो 3 down 0 ए एंड बी ये इनपुट है. वायर टाइप की इनपुट है और इसी तरह से ऑप जो है वो मेरे पास 3-bit का सिग्नल है. प्रीवियस स्लाइड में मैंने देखा था कि ऑप 3-bit का सिग्नल है और 8 इंस्ट्रक्शंस जो है उस पर अप्लाई होगी ALU पे. इसी तरह जो आउटपुट है ALU out वो रेज टाइप का है यानी कि रजिस्टर है और 3 down 0 उसका साइज यानी 4-bit का आउटपुट है. इसी तरह ऑलवेज के साथ मैं यूज करूंगा ऑलवेज स्टैटिक ऑलवेज एट द रेट स्टैटिक. तो इसका मतलब है कि हम ऑलवेज ब्लॉक को यूज कर रहे हैं यानी कि बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग यूज कर रहे हैं और इसमें हम
केस स्टेटमेंट यूज करेंगे और हम अपने ALU को डिजाइन करेंगे। बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग यूज कर रहा हूं मैं, और इससे मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, बिकॉज ALU एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो उस तरह से हम ऑलवेज एट द रेट स्टैटिक के साथ जो है वो अपनी कोड को लिखेंगे, और बिगिन के साथ मैं केस स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। केस स्टेटमेंट वैसी है जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच स्टेटमेंट होती है, तो केस स्टेटमेंट वैसी ही है बिल्कुल। तो केस स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई हो रही है ओपी पे, यानी कि ओपी जो है ऑफ मेरे पास डिफरेंट इनपुट्स होंगी इसकी, और इस पे डिफरेंट केसेस अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफ में 000 हो तो ALU आउट में 0 आ जाएगा। इसी तरह जब मेरे पास 001 होगा ऑफ में तो ALU आउट A प्लस बी हो जाए। इसी तरह 010 में A माइनस बी। इसी तरह 11 के केस में, 011 के केस में A को एड करना है B के साथ। इसी तरह से 100 के केस में A को और परफॉर्म करना है B के साथ। एंड सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास A इन्वर्ट हो जाएगा, B इन्वर्ट हो जाएगा, और 111 के केस में नो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। डिफॉल्ट की जो इंस्ट्रक्शन है वो बताती है कि अगर इनमें से कोई भी इनपुट ना हो तो फिर कौन सी आउटपुट आनी चाहिए। तो डिफॉल्ट आपने जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे आपके डिजिटल सर्किट के अंदर। ALU आउट 0 यहाँ पे आपने मेंशन करना है। इसके बाद एंड केस, यानी कि केस की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी आपके पास, और एंड केस पे आके वो फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद एंड, ये जो एंड है दूसरा एंड, ये ऑलवेज ब्लॉक का ये जो बिगन था इसके साथ जो है वो अटैच्ड है, बिगन और एंड। तो ऑलवेज ब्लॉक भी हमारा फिनिश हो गया, और इसके बाद एंड मॉड्यूल इस पूरे मॉड्यूल का एंड है। तो इसके बाद हम मॉडल सिम में चलते हैं, और मॉडल सिम में जाके अपने इस सर्किट को सिमुलेट करते हैं। ओके जी, लेट्स गो टू मॉडल सिम, और इसमें हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सो दैट हम अपने ALU को यहाँ पे सिमुलेट कर सकें। सो आई विल गो टू न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो है सी इंटेंसिटी ALU, और प्रोजेक्ट का नेम भी ALU रख दिया मैंने, और इसी तरह से ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। ओके, यस, और यहीं पे मैं क्रिएट करूँगा फाइल वेरीलॉग फाइल, और इसका भी टाइटल जो होगा वो ALU होगा। ओके, और फाइल जो है वो बन चुकी है क्लोज। ALU.v को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, और जो कोड हमने डिस्कस किया अभी उसको मैंने कॉपी कर लिया सो दैट टाइम सेव किया जा सके। और कोड जो है मैंने पेस्ट कर दिया, ABOP और ALU out, ये सेम कोड है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। इसको हम अब कंपाइल करके चेक करते हैं। कंपाइल ऑफ ALU.v वाज सक्सेसफुल, दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसका टेस्ट बेंच कोड लिखते हैं ताकि हम इसका टेस्ट बेंच जो है वो इसको सिमुलेट कर सकें। सो फॉर टेस्ट बेंच सबसे पहले मॉड्यूल मॉड्यूल TB और जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जो इनपुट्स हैं वो यहाँ पे रेज टाइप की होंगी, रेज A और B, और इसी तरह जो OP है उस वो भी रेज टाइप है, और जो आउटपुट है वो मेरे पास वायर टाइप की होनी चाहिए। तो ये टेस्ट बेंच के रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो किया मैंने और सिग्नल्स जनरेट कर दिए। नेम सिग्नल के सेम है, और इसके बाद मैं इस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करूँगा। इस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करने के लिए मैं ALU, इसका जो इंस्टेंट नेम है वो A1 है, और ALU क्योंकि मॉड्यूल का नेम है यहाँ पे, तो ALU A1, और ये ऑर्डर वाइज बिकॉज यहाँ पे भी ABOP और ALU out मेरे पास सिग्नल्स हैं, तो बाय ऑर्डर जो है मैंने ऑर्डर सेम रखा हुआ है। लाइक यहाँ पे A है जो, वो यहाँ पे भी A है, तो इसलिए ऑर्डर वाइज जो पोर्ट लिस्टिंग है उसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इनिशियल ब्लॉक में आके बिगिन और एंड इसमें जो है कुछ इनपुट्स हैं जो पास करूँगा ओपी को और ऑप को, और इसी तरह जो मेरे बाकी वेरिएबल्स हैं जो इनपुट्स हैं उसको भी कुछ इनपुट्स पास करूँगा। सो पहली इनपुट मैं 000 अप्लाई करूँगा, और यहाँ पे रिजल्ट्स जो A को मैं फिक्स कर रहा हूँ लाइक 3B लाइक 001, और B जो है मेरे पास फिक्स्ड इनपुट होगी जो कि मैं फिक्स कर रहा हूँ, और 03B 00 0011
और क्योंकि ये 4 बिट का सिग्नल है तो यहाँ पे मैंने 0001 कर दिया, 1, और यहाँ पे 3 आ रहा है बी में. सो 3 + 1 जो है 4 रिजल्ट आएगा एडिशन के केस में. सिमिलरली इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, मैं इसको 1 1 कर रहा हूँ और यहाँ पे बी को मैं 0 1 कर रहा हूँ. सो दैट जब 3 - 1 होगा तो रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव ना आए. इसी तरह मैं यहाँ पे लेट्स से 10 टाइम यूनिट्स का डिले दूंगा और इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. कुछ और इनपुट्स जो है वो अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे. लेट्स से यहाँ पे ओपी जब मैं 001 पास करूंगा तो मेरे पास जो है वो एडिशन होनी चाहिए. इसी तरह 10 के केस में सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए और इसी तरह से बाकी ऑपरेशंस भी परफॉर्म होने चाहिए. एंड ऑपरेशन और बाकी ऑपरेशंस को भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं. सो इसको मैंने सेव कर दिया और इनिशियल का एंड आ गया और मॉड्यूल को मैं एंड कर रहा हूँ एंड मॉड्यूल की कमांड से. और इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया और अब हम कंपाइल करते हैं. कंपाइल ऑल, कंपाइल ऑफ ALU.V वाज सक्सेसफुल. दैट मींस कि हमारी कंपाइलेशन हो चुकी है, अब हम सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो सिमुलेट में जाके स्टार्ट सिमुलेशन को क्लिक किया और ये विंडो आ गई आपके पास. वर्क में आके TB को क्लिक किया और ओके किया. वेव की विंडो आ चुकी है हमारे पास और यहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स भी आ चुके हैं. इन वेरिएबल्स को ड्रैग करके मैंने यहाँ ड्रॉप किया और सिमुलेशन को रन किया. कुछ अल्ट्रेशन जो है वो मैंने दी सिमुलेशंस की. और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ. जूम इन करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो रेडिक्स है यानी कि टाइप ऑफ द डेटा है इसको मैं अनसाइंड डेसिमल कर देता हूँ. अनसाइंड डेसिमल सो दैट इसको इजीली मैं इंटरप्रेट कर सकूँ, अंडरस्टैंड कर सकूँ. सो ए और बी में आप देख सकते हैं A 3 है, बी जो है वो 1 है और आउटपुट 0 है इस केस में, पहले केस में. बिकॉज जो ओपी है वो 0 है तो आउटपुट भी 0 है. बिकॉज 0 0 0 जब ओपी था तो कोई 0 ही आउटपुट आना चाहिए. इसके बाद जब ओपी आ गया 1 0 0 1 तो इनपुट 3 1 थी. 3 1 एडिशन होनी चाहिए, 3 1 ऐड होके हमारे पास 4 रिजल्ट आ रहे हैं. ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है. इसके बाद जब इनपुट हो गई ओपी हमने चेंज किया और इसको हमने 0 1 0 कर दी थी यानी 2, तो 3 और 1, 3 - 1 होना चाहिए था. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होनी चाहिए थी. तो हम देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म की है हमारे ALU ने और 3 - 1 2 रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास. इसी तरह से हम एंड ऑपरेशन का रिजल्ट भी देख सकते हैं और सिमिलरली अब बाकी रिजल्ट्स को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इसी प्रोसेस को एक्सटेंड करके और डिफरेंट इनपुट्स को अप्लाई करके हम अपने ALU को चेक कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि ए और बी को फिक्स करें, ए और बी को आप चेंज भी कर सकते हैं और डिजायर्ड आउटपुट जो है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इंटेल सिटी एंड डू लाइक. एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन या रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू.